नमस्ते, प्रणाम। आज मैं अपनी मन की बातें आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। आपकी भी मन की बातें, आपकी भी मन की बातें, तो चलिए हम सब की मन की बातें। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत हंसती रहती हैं, बहुत मुस्कुराती रहती हैं, इतना दुख है आपके शरीर में, इतना तकलीफ है, तो भी हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, वीडियो बनाती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मेरा मानना है, जो एक तो मैं कष्ट झेली हूँ, इतना कष्ट जो आप लोग को मैं बता नहीं सकती हूँ, बताऊँगी भी तो अगले वीडियो में बताऊँगी क्या कष्ट हुआ था मुझे। लेकिन मेरा मानना है जो उस दुख के पलों को क्या याद करना है, दो पल की ज़िंदगी है, एक बार ज़िंदगी मिली है, तो दुखों को याद नहीं करना है, हंस के गुजार देना है। क्या भाई, क्या दुख याद करना है? दुख तो आएगा जाएगा, ऐसे तो हर किसी के ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, किसी को मानसिक है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को दोनों कष्ट है। लेकिन मुझे मानसिक तो नहीं, लेकिन शारीरिक कष्ट मैंने बहुत झेला है, बहुत झेला है। उस पल को मैं याद करती हूँ तो खुद भावुक हो जाती हूँ और रोना आता है। लेकिन तभी मेरे ईश्वर मुझसे कहते हैं, अरे क्या दुख को पल को याद करना है, अभी तो तुम्हारे लिए अच्छा पल है, अभी तो हंस के गुजारो, उस दुख को क्या याद करना है। तो मैं यूं हंस के निकाल देती हूँ उस दुखों को और फिर अपनी ज़िंदगी में मस्त रहती हूँ। और उस कष्ट में, उस परेशानी में मेरे बच्चे लोग जो किया है, जो आप लोग के सामने मैं अभी बैठी हूँ, नहीं तो कब के मैं ऊपर रहती, बहुत अच्छे से फर्ज निभाया है। खासकर मेरी दोनों बेटी ने बहुत अच्छे से, बहुत मुझे सेवा की। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरी बच्ची लोग कैसी, बहुत अच्छी है मेरी बेटी लोग, बहुत अच्छी है। और मुझे भी भगवान से लड़ना पड़ा कि भगवान मुझे कष्ट तो है, लेकिन आप मुझे ले नहीं जा सकते हैं, आखिर ले जाइएगा तो एक माँ चली जाएगी, तो ये बच्ची लोग को क्या होगा, बच्ची लोग कहाँ जाएंगे। तो ईश्वर ने भी मेरी प्रार्थना सुनी और मैं स्वस्थ हो गई। कष्ट तो रहा है शरीर में, अभी भी है, परेशानी भी है, लेकिन याद नहीं करती हूँ, खुश रहती हूँ, खुश रहती हूँ। आप लोग भी खुश रहिए। और मेरे पति तो बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे, मेरी हर बात मानते हैं, बहुत मुझे मानते भी हैं। मैं क्या बोलूँ आपसे, मुझे रानी तो बनाकर नहीं रखे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, महारानी बनाकर मुझे ज़रूर रखे हैं। मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी आप लोग को मिलवाऊँगी, कुछ दिन होने दीजिए, उसके बाद मैं मिलवाऊँगी उनसे भी आप लोग को। तो आप लोग भी हंसी मुस्कुराइए और कष्ट को, ऐसे तो मुझे कोई बड़ा रोग नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, थोड़ा सा कष्ट है शरीर में। शादी के 10 साल बाद मुझे 3 गो सिजेरियन हुआ, जिसके चलते बहुत ही कष्ट मैंने झेला है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। ऐसे तो आप लोग भी सोचते होंगे ये क्या लेकर ही बैठ गई। तो चलिए कुछ पल के लिए आप लोग भी मुझे झेलिए, कुछ पल के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो नमस्ते, प्रणाम।